नमस्कार मेरे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगी आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी दोस्तों कि हमारे वीडियो को पूरा देखा कीजिए। मैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी नई नई वीडियो लेकर के आती हूँ। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपको किसी भी तरह का कोई भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो ला कर के ज़रूर दूंगी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसा कि आप सभी को पता है सावन सोमवार आने वाला है। सावन सोमवार 4 जुलाई से शुरू होने वाला है। कितने दिनों तक रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सावन सोमवार किस किस दिन पड़ा हुआ है, अगर आपको इस बात की जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है सावन सोमवारी के कुछ खास नियम होते हैं, यानी कि व्रत करने के नियम, पूजा पाठ करने के नियम। अगर आप पहली बार सोमवारी कर रही हैं तो क्या आप इस साल सोमवारी कर सकती हैं, यानी कि नए नए कोई भी व्रत हम लोग इस साल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण की जो बात होती है वह होता है कि सावन में हम लोग लहसुन प्याज खाएं या ना खाएं। बहुत घरों में पाया गया है कि सावन में लहसुन प्याज नहीं बनता है और बहुत घरों में पाया गया है कि सावन में लहसुन प्याज के साथ खाना बनता है। तो आज मैं आपको सारी बात की जानकारी दूंगी, इसलिए वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए दोस्तों आपको मैं बताऊंगी सावन सोमवारी के कुछ खास नियम। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है सावन माह शिव जी को समर्पित है, यानी कि सावन में हम लोग शिव जी का पूजा करते हैं। सावन सोमवारी को जो व्यक्ति व्रत रख के शिवलिंग पे जल चढ़ाता है उसको सारी मनोकामना उसकी जरूर पूरी होती है, साथ ही साथ उसके घर में जिंदगी में सुख और समृद्धि की हमेशा वास होता है। दोस्तों सावन सोमवारी में बहुत ही ज़्यादा खास नियम होता है। सावन सोमवारी में व्रत रखना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और साथ ही साथ शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ा के जल जरूर चढ़ाना चाहिए। माना जाता है दोस्तों कि सावन सोमवारी में जल चढ़ाने से आपकी सारी मन की जो भी कामना है वह जरूर पूरी होगी। अगर आपको नौकरी चाहिए, पैसा में वृद्धि चाहिए, घर में सुख शांति चाहिए या किसी भी तरह की मन में इच्छा है तो वह सावन सोमवार में जरूर पूरा होगा, अगर आप बेलपत्र चढ़ा के शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं। उससे भी खास यह होता है दोस्तों कि जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, धतूरा इस तरीका से डाल करके आप अगर शिवलिंग पे चढ़ाती हैं तो यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों सावन में लहसुन प्याज खाएं या नहीं खाएं, इस बार आपको पता है दोस्तों सावन माह 2 महीने का लगने वाला है, जो कि 11 साल के बाद ऐसा शुभ समय आया है। 11 साल पहले भी सावन सोमवार 11 साल पहले भी सावन सोमवार 2 महीने का हुआ था और इस बार भी 2 महीने का होने वाला है। सावन सोमवार 4 जुलाई से शुरू होकर के 31 अगस्त तक होने वाला है। इस बार 8 सोमवारी लगने वाला है। सोमवारी हम लोग करें या ना करें, पहली बार हो रही है तो क्या करें, अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों माना जाता है कि अगर आप सावन सोमवारी में लहसुन प्याज नहीं खाती हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर हम लोग सावन सोमवारी में लहसुन प्याज खाते हैं उससे कुछ बुरा असर नहीं होगा, लेकिन आप सभी को पता है दोस्तों पूजा पाठ का अपना कुछ नियम होता है, ख़ास तौर पे वैसे पूजा पाठ का जो कि बहुत सालों के बाद इस तरीके का शुभ समय आता हो तब। इसलिए इस बार बहुत ही शुभ समय है। आप सभी को पता है 11 साल के बाद 2 महीने का सावन सोमवार होने वाला है।
इसलिए आप लोग बिना लहसुन प्याज का खाना खाइएगा तो यह आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसी तरीका से दोस्तों, अगर हम लोग सावन सोमवार में लहसुन प्याज खाते हैं तो उससे कुछ नकारात्मक तो नहीं होगी? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, लेकिन जो भी व्रत करती हैं, जैसे कि कोई कन्या या कोई भी कुमारी लड़की पहली बार व्रत कर रही हैं, तो वह लहसुन प्याज ना खाएं। बिना लहसुन प्याज का ही 2 महीने का सावन में बिना लहसुन प्याज के ही रहें, और ख़ास तौर पे व्रत के दिन लहसुन प्याज को छुए भी नहीं। ऐसा करने से भी आपकी शीघ्र ही सारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। दोस्तों, अगर आप पहली बार सोमवारी कर रही हैं, यानी कि पहली बार आप सावन सोमवारी करना चाहती हैं, तो क्या करें? इस बार करें या ना करें? आप सभी को बता दूं दोस्तों कि जब भी हम लोग कोई भी पूजा पाठ पहली बार करने लगते हैं, जैसे कि 16 सोमवारी, मंगलवार, तो उसके कुछ नियम निष्ठा होते हैं। अगर आप लोग इस बार पहली बार सोमवारी करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अगर 8 सोमवारी लगा है तो आप 8 सोमवारी जरूर कीजिएगा। इस तरीका से अगर आप पहली बार 8 सोमवारी कर रही हैं तो अगले साल अगर 4 लगेगा तो आपको 4 करना होगा, 5 लगेगा तो 5 करना होगा। इसलिए अगर आप इस बार पहला सोमवारी और अंतिम सोमवारी कर रही हैं, यानी कि 2 सोमवारी, तो अगले साल भी आपको 4 सोमवारी में पहला और अंतिम ही करना होगा। माना जाता है कि जैसा हम लोग सोमवारी उठाते हैं वैसा ही हमें करना चाहिए। अगर दोस्तों आप लोग पहले 2 सोमवारी करती थी, यानी कि 4 लगता था तो 2 करती थी, और अगर आपको इस बार 8 सोमवारी करने का मन कर रहा है तो आप 8 सोमवारी कर सकती हैं। इसमें कोई भी आपको बुरा असर नहीं होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, जब भी आप लोग पूजा पाठ करें, अगर घर के आसपास शिवलिंग है तो जल जरूर चढ़ाएं। अगर शिवलिंग नहीं है तो घर के मंदिर में ही शिवजी को बेलपत्र जरूर चढ़ाइएगा और उन्हें कच्चा दूध जरूर चढ़ाइएगा। साथ ही साथ शिवजी का एक अलग से भोग लगाइएगा। भोग में आप मिश्री, लड्डू, गुड़ का कोई भी भोग इस तरीका से डाल करके और एक उजला रंग का पुष्प डाल करके शिव जी को भोग लगाइएगा। ऐसा करने से भी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। और दोस्तों, शिव जैसा कि सावन सोमवारी में पहला और अंतिम सोमवारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इस दिन अगर आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी चीज़ को लेके आपको उसे पाना है, तो हमें कमेंट में वह चीज़ जरूर बताइएगा ताकि हम आपको उस चीज़ का उपाय बता सकें। यानी कि पहला सोमवारी और अंतिम सोमवारी को आप सभी को मंदिर में जाकर के शिवजी का दर्शन जरूर करना चाहिए, और जो भी मनोकामना है, जिस तरह का मनोकामना है, उस तरीके का उपाय भी जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि इस बार बहुत ही खास सावन सोमवारी लगने वाला है। उम्मीद करूंगी दोस्तों बताया हुआ पूजा पाठ पसंद आएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।